आज तो खीर फुल चल रहा, जबरदस्त नाश्ता मैडम है। इसके अंदर पनीर है, लहसुन है और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि मैं बना रही हूँ पनीर चीज गार्लिक ब्रेड, जो कि ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ और मान जी को खिला चुकी हूँ। तो आप उनसे जाके पूछिए कैसा बना है। सानिया, एक चीकू को, एक राज को, एक राम भैया, सबको दिया, बन चुका है ऑलरेडी सबका। ठीक है, चाय दे दे सबको बस। गुड मॉर्निंग चीकू। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छा, नींद पूरी हो गई? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके चीकू बेटा, एक बार फोन देना, पानी नहीं आ रहा है, पानी का पता करना है। मेरा फोन कहाँ है? चीकू ने छुपा लिया है अभी। पानी नहीं आ रहा बेटा, पानी के लिए फोन करना है। देखो मम्मा के पास हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, इससे नहीं है नंबर, इसमें है ना बिटू, इसमें खोल लो आप। कौन सी भैया? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही मजेदार है, पायल ने बनाया है। इसके अंदर क्या क्या सामग्री है वो पायल बताएगी। मुझे तो अच्छा लगा, पहली बार खाया मैंने। इसके अंदर पनीर है, लहसुन है और शिमला मिर्च है, प्याज है और हल्की सी चीज है। आपको भी कर देते हैं गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग चेरी, हाउ आर यू? नहीं आ रहा भाई लैट्रिन में। गोलू पॉटी मत करियो, अभी पानी नहीं आ रहा है, बीच में रह जाएगी। पॉटी नहीं कर रही मैं। आप बीच में रह जाएगी, पानी नहीं आ रहा। पॉटी नहीं कर रही। सुसु कर रही जी। सुसु के लिए भी तो पानी चाहिए ना। नहीं इतना पानी था, हां इतना था। लो भैया, ये होते हैं घर के बड़े बूढ़े, जो पहले सब बच्चों को खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं। और यही होती है औरत की असली शान। बेटा एक घंटा होगा पानी को पायल, एक घंटे से इससे आधा गिलास नहीं पिया जा रहा। इसको कोल्ड ड्रिंक दे दे, भर के एक बार कोल्ड ड्रिंक दे दे। इसको कोल्ड ड्रिंक है अपने पास ना? एक कितनी देर में पी जाएगा? हाँ देख, देखो तुम्हारे साथ के 5 मिनट। तारीफ वाली बात है ना चिकू, थोड़ा सा ध्यान दे ले भैया अपनी हेल्थ पे। आज तो खीर फुल चल रहा, जबरदस्त नाश्ता मैडम है। आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। चीकू की फोटो, जब वो थोड़ा छोटा था तो काफी शरारती था, तो पाई क्या किया था इसने, यहाँ पे ढक्कन फंसा के इसने उसको अपनी तरफ खींचा, वैक्यूम की तरह, वैक्यूम की तरह। तो उसके यहाँ पे लाल लाल हो गया पूरा, और ऐसा ही मॉल में घूमा था पूरा, काफी दिन तक रहा था चीकू के। चीकू ले फोटो लेंगे। राज एक काम कर, सबसे पहले इसका ना डॉग ट्रेनर पता करके आ। राज भैया। हाँ जी भाभी। आप जा रहे थे तो सुनो, मेरा भी काम कर देना। वो दिन कपड़े देखे आए थे ना सारे, वो कपड़े आज हो गए। पैसे लेके जाओ, कपड़े भी लाना आते हुए। फिर हम उसका काम कर लेंगे ना। पहन लेंगे। और सुन पायल, चड्डा भैया को बुला लो। कौन सा भैया को? आप बीच में फोन नहीं करना, कम से कम 2 घंटे लगने वाले हैं। मैं जाऊँ, मैं चलूंगा साथ में। वो जो शॉप है ना, वो जो शॉप है वहाँ पे, मतलब वो होलसेल शॉप है। जैसे अगर आप अचार लेना है आपको, तो अचार के इतने बड़े डब्बे, इतने बड़े डब्बे, इतने बड़े बड़े डब्बे। खा लो खाना, खा लो खाना। टॉफी पे हम जा रहे हैं, बैठो। पापा जब आप सुको बड़े दुकान में गए थे ना, थोड़ा बड़ा टॉफी का डब्बा था, वो भी लाना है? नहीं, ले आएंगे। ठीक है, पैसे लगे। तो पैसे तो है नहीं तेरे पास? कितने बड़े हाथ थोड़े मेरे पास। टॉफी का डब्बा पहली बार मैंने लाइफ में देखा, इतना बड़ा डब्बा, इतना बड़ा डब्बा। अगर वो लेते साल भर टॉफी चलती। भैया हम बना रहे मजेदार सा, वो आप देख लेना मैं क्या बना। दिस इज अरमान मलिक, बच्चे के लिए कुछ भी करेगा, अपना देख ले। आपको बना रहे हैं बढ़िया सी चीज। क्या बना रहे हैं? मैंने ये कोने में इसलिए बनाया कि तेरी ना वो खराब हो। क्या खराब ना हो? ज्यादा जगह खराब हो। ठीक है चीकू, जैसे पापा बना रहे हैं ना वैसे वैसे आपको भी बना के दिखानी है। ठीक है, कॉपी करनी है, डुप्लीकेट नहीं। ये ड्राइंग तो अभी बनानी है चीकू, प्रैक्टिस करनी है इसकी आपको। पापा दे ले आपकी ना, ज्यादा ड्रॉइंग भी खराब नहीं कर रहे पता है, नहीं तो ना बीच में मरा देता मैं। समझ रहे आप मेरी भावनाओं को? क्या 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 समझ रहे, जल्दी बताओ। दूर कर लो चेरी को, सीखो। फर्स्ट ईयर में सीखा था क्योंकि पापा फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। तो यहाँ पे देखो मेरी घरवाली आएंगी,
और मुझे शाबाशी देंगी मैंने क्या बनाया है। तो उसके साथ साथ हम एक और मजेदार चीज बना लेते हैं। हाजी को आप एक गिलास में पानी पीना चाहते हो? जल्दी होगा पीना चाहते हो? अपने बड़ा प्यारा क्यूब बनाया है। क्यूब बनाया बेटा? क्यूब क्या? क्यूब इसको बोलते हैं, क्यूब तो इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। पापा उस दिन तभी बोलते ना स्केल ला दो, क्योंकि बिना स्केल के अच्छा नहीं बनता। ड्राइंग नहीं, मेरी सब कुछ अच्छी है, मैं बहुत खतरनाक पेंटर नहीं मैं खतरनाक। अच्छा मैं समझ गई क्या बना रहे हैं। ये बना रहे ऊपर ग्लास। हाँ ये बचपन में ऐसे कलर करते थे, इतने अच्छे। वाओ तो ये अभी इनकम्प्लीट है ना ये? हाँ इनकम्प्लीट है। नीट बना रहे हैं ना, मेरी पेंटिंग बनाना। बना सकता हूँ मैं, भगवान जी से गोपाल से पूछ ले। ठीक है बनाना मेरी पार्क। वो है रबड़ दे, रबड़ दे फटाफट। पूरा बट है बेटा, बीच में ग्लास का करेंगे ना, ग्लास के अंदर दीवार नहीं होती। बनाते नहीं ऐसे कभी, किसी के पूछे कोई भी बोले तो। जा मम्मी को दिखा के। और ऐसा आपको भी बनाना है शाम तक, होमवर्क है। जल्दी जा जल्दी जा। मम्मी वॉशरूम में है। अच्छा आ रही है पानी, मम्मी आ रही है वॉशरूम में। अब इसमें आपको कलर करना है सुंदर सा, ठीक है। अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम, चिराई यहाँ पे कार्यकर्ता अरमान मलिक। देखो और ये होमवर्क है चीकू को, इस पेज पे एज इट इज बना के दिखाना है। बना सकता है और चीकू हाँ अभी कलर करना बाकी है। क्या किया मैंने, आप देखो जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैंने ना बिल्कुल भी ना ये फ्रेम खराब नहीं किया। मैंने कोने में बनाया इसको बिल्कुल, देखो जहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, बीच में नहीं बनाया कि चीकू कुछ भी पंगे ले सकते हैं। यहाँ पे कोने में बनाया सुंदर से ड्रॉइंग कर, कलर करनी है। लाल पानी है, सिखाओ पहले पेंट कैसे करते हैं। बेटो देखो पहले तो आप इसे छोड़ हमेशा ना, देखो ये है ना ये कॉर्नर्स करते हैं कॉर्नर्स, ठीक है। ये देखो हमेशा ना पहले आपने तो रेड कर दिया, खराब कर दिया। पहले इसके अंदर शरबत है, ठीक है। पहले कोने करो। पापा बेटा बहुत बड़े पेंटर थे पता है आपको, या तो इसमें वाटरमेलन जूस भी बोल सकते हैं। देखो चीकू पापा कैसे साइड साइड से लगा रहे, बाहर बिल्कुल कलर नहीं निकल रहा, नहीं ऐसे आप भी क्या करो, पानी बिल्कुल कम लगाना चाहिए। और इतना भर के नहीं करते, ठीक है ऐसे करते तो सही है। कर और एक बात बोलो, एक क्यूब में अच्छे से कलर करना है, गोल्डन नाश मत कर दी, इतनी अच्छी पेंटिंग है मेरी। ये करोड़ रुपए लेता हूँ ऐसी पेंटिंग करने के। ये कौन सी पेंटिंग है मतलब मैं गलत हूँ? उसमें से एक रोल निकाल दे चेरी के लिए, ऊपर रख दे। अब कर ले जो बनवाना ना शेर जी, तब मुझे बता दे। मुझे पता खराब तो तुझे करने हैं, बैठ के करते तमीज से, आर्टिस्ट बनो। चलो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। रात वाला ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि कृतिका के 3 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं और उसकी सेलिब्रेशन करेंगे कि उसी मजेदार से होटल में। मेरा भी 1.7 मिनट होने वाला है। हां 2 मिनट होने वाले लड़की के। तो नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।